तो हेलो अमर, हेलो मैम। को एक्सेल का क्वेश्चन भेजा था, उसकी आपने शीट बना ली। वो यस मैम। शीट एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दो। तो एक बार बताना आपने पूरा कैसे बनाया ये। यस मैम, जो आप मुझे मतलब एक्सेल वाला कुछ क्वेश्चन जो भेजे हुए थे, तो यहाँ पे उसमें कुछ दिया हुआ था, कुछ डाटा जो कि वहाँ पे हम उसमें नोट किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कुछ कंपनी, मतलब कंपनी का तो नाम था, तो मैम कंपनी का नाम मैम यहाँ पे हम डाले हुए हैं, ठीक। और आगे यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह जो हम डाल दिए हैं, और ये नाम का कॉलम है, और ये महीना का कॉलम है, जो मार्च अप्रैल मई 3 महीना का डाटा था मैम, तो तीनों को मिला के जो टोटल का मतलब ये टोटल का डाटा हो गया, ये एवरेज का योग, ये मैक्सिमम का और ये मिनिमम का मैम। फिर यहाँ पे कुछ मान लीजिए बीमा का इतना, और ट्रेन में 4200, मई में 55, गोरख का 80, अप्रैल में 89, और मई में 82, मीनू का मार्च में था 93, और अप्रैल में 90, और मई में 59 मैम। सब टोटल का निकाले, यहाँ से लेके इसको सिलेक्ट किए मैम, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सम ऑप्शन दिया हुआ मैम, तो हम सम कर दिए मैम, ये मेरा टोटल हो गया इतना। यस मैम। फिर मैम यहाँ से हम इसको सिलेक्ट किए किए यहाँ से इसे करके, फिर यहाँ पे मैम फॉर्मूला पे आके यहाँ पे एवरेज का ऑप्शन दिया हुआ, इसे इंक्रीज कर दिया मैम, तो जो एवरेज का वो मेरा निकल गया मैम यहाँ पे। तो बाकी मैम फिर दिया हुआ मेरा यहाँ पे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम को भी मैम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से जिसका मैक्सिमम निकालना है हमको, और बाकी फिर यहाँ पे ऊपर सम पे यहाँ पे आके हमको मैक्सिमम निकालना, तो मैक्सिमम पे यहाँ पे क्लिक वो कर दिया हमने कि आगे मैं मैक्सिमम जितना था यहाँ पे, और बाकी फिर एक मैम मिनिमम है, तो फिर एक तीन को फिर वो जिसका निकालना है उसको वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर फॉर्मूला में जाके फिर यहाँ पे फोटो सब पे क्लिक करके यहाँ पे मेरा दिया हुआ है मिनिमम, तो यहाँ पे मैम वो क्लिक कर देना है, तो जितना इसका मिनिमम मिनिमम है वो मेरा यहाँ पे निकल के आ गया है मैम। ये जो हम बनाया है बार ग्राफ मैम, तो भी क्या है कि यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर लिए हैं टोटल पूरा। फिर इंसर्ट में आके यहाँ पे फिर तो बार ग्राफ बना के पेज पे हम अगर ये बना के पे हम क्लिक करें, तो मैम ये मेरा बन के आ गया। तो मैम कैनवा पे एक तो मैं कोचिंग की मतलब कोचिंग में मतलब बच्चों को एडमिशन के बारे में मतलब कोई मतलब अपना अपना कोचिंग का मैम प्रचार करने के लिए मैम, एक वो और एक दिवाली में मतलब किसी को इनवाइट इनवाइट के लिए मैम, ये जो पोस्टर है वो दिवाली पे इनवाइट कर लिया, ठीक है। और इसमें ये पोस्टर हम बनाए थे मैम कैनवा से, कैनवा से बनाने के लिए मैम थोड़ा मतलब कैनवा में ऐसा मतलब होता है जो कि मैम पहले से वहाँ पे मतलब हम लोगों को मतलब कुछ ऐसा होता है कि मतलब बनाया हुआ वहाँ पे दिया हुआ रहता है, तो कुछ वगैरह इसमें तो उस चीज़ में तो ज़्यादा कुछ तो हम लोग को मतलब मेहनत वगैरह नहीं लगता है, और बाकी तो मतलब कुछ इसमें मैम एडिट करना हुआ हमको, जैसे कि यहाँ पे मैम कुछ मतलब अपना डेट वगैरह चेंज किए हुए हैं और एड्रेस वगैरह ऐसे। और दूसरा प्रश्न कोचिंग के बारे में यहाँ पे अगर मैम, तो मैम इसी हम इससे हम उसी तरह मैम सबसे पहले तो टेम्पलेट इसका मतलब चुने चुने, उसके बाद यहाँ पे कुछ मतलब कुछ है मतलब इसमें तो सारा मतलब अपने से मतलब इसमें मैम डाले हुए हैं, इसका साइज मतलब इसे कुछ लिखा हुआ है तो साइज छोटा बड़ा ये सब मैम, तो मैम सेम इसी तरह मैम इसमें भी मतलब जो कि पहले जो कैनवा में चित्र किए थे मैम टेम्पलेट यूज किए थे, उसके बाद यहाँ पे सारा एडिट किया मैम, जैसे कि फोर्थ क्लास के स्टूडेंट मतलब मैम ये सब खुद से मतलब अपने से किए हुए हैं, उसका साइज छोटा बड़ा इस समय आपको किया, तो पिक्चर वगैरह कुछ डाले हुए हैं आपने मतलब मेरे लिए कोचिंग का मतलब वगैरह। तो
मैम ये फोटो तो मैम मेरे ही मतलब क्लास के हैं।